वृंदावन वह जगह है जहाँ भगवान कृष्ण का बचपन गुजरा, जहाँ उन्होंने गोपियों के संग रास किया। कृष्ण भारत में आनंद के देवता भी हैं और जीवन में उमंग लाने वाले देवता भी हैं। यही कारण है कि वृंदावन में प्रवेश करते ही यहाँ के कण कण में भक्ति और प्रेम का एहसास होने लगता है। वृंदावन की हवाओं में कुछ अलग सा कृष्णमय संगीत है, मानो वह अब भी राधे राधे की माला जप रहे हों। दिल्ली से करीब 150 किलोमीटर दूर वृंदावन आना एक अलग अनुभव है, ऐसा अनुभव जिसे शब्दों में बांधना आसान भी नहीं। यहाँ जिस भी ओर जाएंगे, कृष्ण की भक्ति भावना में लीन मंदिरों और साधारण से आलीशान आश्रम पाएंगे, देश विदेश के कृष्ण भक्तों की भीड़ पाएंगे। वृंदावन विधवाओं की भी नगरी बनती जा रही है, जो वैधव्य के बाद कृष्ण के चरणों में जीवन बिताने के लिए इस शहर का रुख करती हैं। कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, फिर लालन पालन वृंदावन में, लिहाजा यहाँ हर ओर कृष्ण समाये हुए हैं, हर ओर राधे राधे हैं, हर ओर रसपूर्ण भक्ति भाव की यमुना है। जिस तरह गंगा उत्तर भारत के तमाम पवित्र स्थानों की जीवनदायिनी है, उसी तरह यहाँ यमुना जीवनदायिनी और पापनाशिनी है। माना जाता है कि यहाँ नहा लेने से आपके पाप नष्ट हो जाते हैं। मित्रों, वृंदावन में यूं तो एक से बढ़कर एक मंदिर है और सभी अपनी छटा और खूबियाँ लिए हुए हैं, लेकिन बांके बिहारी मंदिर की तुलना और किसी से नहीं की जा सकती। मंदिर बाहर से राजस्थानी शैली की शानदार हवेली की तरह लगता है, अंदर कृष्ण की खास शैली की मूर्ति विराजमान है। यहाँ दर्शन की बड़ी महत्ता है, हालांकि सप्ताहांत के दिनों में यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, अन्य दिन कुछ सुकून के लिए होते हैं। तब आप यहाँ न केवल दर्शन कर सकेंगे, बल्कि मंदिर के अंदर कृष्ण की जादुई मौजूदगी को महसूस करेंगे। मंदिर के अंदरूनी हॉल की रोजाना गुब्बारों और फूलों से खास सजावट होती है, खास बूंदी के प्रसाद से कन्हैया का सत्कार, भक्ति भाव में डूबे दर्शनार्थियों का राधे राधे करते हुए भाव विभोर होना एक अलग ही अनुभूति प्रदान करता है। बांके बिहारी मंदिर का निर्माण वर्ष 1864 में स्वामी हरिदास जी ने कराया था। श्री हरिदास विषय उदासीन वैष्णव थे, उनके भजन कीर्तन से प्रसन्न हो निधिवन से बांके बिहारी जी प्रकट हुए। बांके बिहारी जी मंदिर के बिल्कुल पास एक बहुत प्राचीन सा ऊंचा गुंबदकार मंदिर नजर आता है, गेरुए रंग का यह मंदिर मदन मोहन मंदिर है। कहा जाता है कि यह वृंदावन का पहला मंदिर था। औरंगजेब के शासनकाल में जब मथुरा और वृंदावन के मंदिरों को क्षति पहुंचाई जा रही थी, तब यहां से भगवान कृष्ण की मूर्ति को छिपाकर राजस्थान के करौली पहुंचा दिया गया। हमलावरों ने मंदिर शिखर व अन्य मूर्तियों को छिन्न भिन्न कर दिया। आज भी यह मंदिर खंडित अवस्था में है। भारतीय पुरातत्व विभाग ने मंदिर की पौराणिकता व कला को देखते हुए इसे अपने संरक्षण में ले लिया है। मंदिर के पास बनी काली घाट आज भी सुरक्षित है, परंतु यमुना यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर चली गई है। यमुना में कई घाट हैं, सबकी अपनी छटा है और अपना महत्व। हर घाट से जुड़ी बाल कृष्ण की कहानियाँ हैं। कुछ घाट गुजरे जमाने के गवाह मात्र हैं, कुछ की हालत खस्ता है और कुछ को पिछले कुछ सालों में फिर से ठीक किया गया है, लेकिन इन सभी घाटों पर जाने पर कृष्ण से जुड़ी कोई न कोई कहानी जरूर मिल जाएगी। किसी घाट पर कृष्ण पहली बार स्नान करने उतरे होंगे, किसी पर उन्होंने कालिया नाग को मारा होगा, किसी घाट पर गोपियों का वस्त्र हरण करके ले गए होंगे, यानी जितने घाट कृष्ण से जुड़ी उतनी कहानियाँ। वृंदावन से कुछ किलोमीटर की दूरी पर अक्रूर घाट है और पास में ही अक्रूर गांव है। इसके बारे में एक प्रसंग प्रचलित है कि जिस समय अक्रूर जी नंद बाबा से श्री कृष्ण और बलदेव जी को रथ में बिठाकर मथुरा ले जा रहे थे,
तब मार्ग में यमुना के किनारे रथ रोककर स्नान करने की इच्छा हुई। अक्रूर जी महाराज बड़े ज्ञानी थे, लेकिन उन्हें इस बात की चिंता थी कि कृष्ण बलराम कंस का सामना कर पाएंगे या नहीं। अक्रूर जी ने जब यमुना में डुबकी लगाई, तब पानी के अंदर उन्हें भगवान कृष्ण और बलराम के दर्शन हुए। लेकिन उन्होंने जब अपना सिर पानी से बाहर निकाल कर देखा तो दोनों भाई रथ पर विराजमान थे। फिर जब दोबारा उन्होंने डुबकी लगाई तो भगवान के चतुर्भुज रूप के दर्शन हुए। यही स्थान अक्रूर घाट अनंत तीर्थ कहलाता है। 12 पुराण में उल्लेख है कि राहु से ग्रसित सूर्य ग्रहण में अक्रूर घाट पर स्नान करते हैं तो राजसूय अश्वमेघ यज्ञ करने जैसा फल प्राप्त होता है। माना जाता है असली वृंदावन समय के साथ लुप्त हो गया था, साथ ही लीला स्थलियां भी। ये भी कहते हैं कि वर्तमान वृंदावन असली या प्राचीन वृंदावन नहीं है, वह शायद गोवर्धन के करीब था। हरिवंश पुराण, श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण आदि में वृंदावन की महिमा के बारे में बताया गया है, तो कालिदास ने रघुवंश में इंदुमती स्वयंवर के प्रसंग में इसका उल्लेख किया है। श्रीमद् भागवत के अनुसार कंस के अत्याचार से बचने के लिए नंदजी कुटुंबियों और सजातियों के साथ गोकुल से वृंदावन रहने के लिए आ गए थे। वृंदावन की सबसे रहस्यमयी जगह है निधिवन, अजीबो गरीब तरीके से झुके हुए वृक्षों का बगीचा। ऐसा लगता है कि हर वृक्ष की डाली नृत्य मुद्रा में है। माना जाता है कि भगवान कृष्ण आज भी हर रात निधिवन में आते हैं और राधा के साथ रास रचाते हैं। बाग के बीचों बीच एक मंदिर है जिसमें एक शैया लोगों के आकर्षण का केंद्र रहती है। कहा जाता है कि बांके बिहारी जी की असल मूर्ति इसी वन में प्रकट हुई थी। रात के समय यहाँ प्रवेश मना है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि दिन के समय निधिवन में वास करने वाले बंदर पक्षी और अन्य प्राणी यहाँ से कहीं और चले जाते हैं। हाल के कुछ दशकों में यहाँ कई आकर्षक मंदिरों का निर्माण हुआ है। इसमें कृष्ण बलराम इस्कॉन मंदिर, प्रेम मंदिर, राधा बल्लभ मंदिर आदि उल्लेखनीय है। यहाँ का विशालतम मंदिर रंगजी के नाम से प्रसिद्ध है। कृष्ण बलराम मंदिर यानी कि इस्कॉन टेम्पल को यहाँ के लोग अंग्रेजों का मंदिर भी कहते हैं। दुनिया भर में यूं तो इस्कॉन मंदिर की श्रृंखला है, लेकिन वृंदावन के इस मंदिर की बात ही निराली है। यहाँ आमतौर पर लोग नाचते गाते और आनंद में लीन रहते हैं। इस्कॉन द्वारा अब वृंदावन में ही दुनिया के सबसे ऊंचे करीब 200 मीटर ऊंचा चंद्रोदय मंदिर का निर्माण भी कराया जा रहा है। प्रेम मंदिर अपनी वास्तुकला और दीवारों पर उकेरी भव्य कला से मन मोह लेता है। देश विदेश में प्रसिद्ध कृपालु जी महाराज द्वारा बनवाया गया यह मंदिर हर मायने में खासा सुंदर और बेहद साफ सुथरा है। यहाँ कृष्ण की अप्रतिम झांकियाँ हैं। प्रेम मंदिर बेहद ही दर्शनीय है। हाँ, अगर आपने इसे रात में जगमगाते हुए नहीं देखा तो यकीन मानिए कि एक शानदार अनुभव से वंचित रह जाएंगे। साध्वी रितंबरा का बात्सल्यग्राम भी वृंदावन के खास आकर्षणों में से एक है। लंबे भूभाग में पर बसा यह आश्रम अनाथ बच्चों को आश्रय देता है। यहाँ की व्यवस्था प्राचीन गुरुकुलों की तरह की गई है। हाँ, यहाँ की चाट और वृंदावनी लस्सी का भी जवाब नहीं। कृष्ण की इस नगरी में गए और लस्सी नहीं पी तो क्या किया। वृंदावन की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यहाँ आने के बाद यह आपके अंदर बस जाएगा और हमेशा याद आता रहेगा। तो ये थे वृंदावन की तारीफ में कुछ शब्द, वृंदावन की जो खूबसूरती है उसके बारे में कुछ बातें। तो मित्रों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके अपने मित्रों के साथ में शेयर अवश्य करें। इसके साथ ही दोस्तों, हम इसी तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं, तो कृपया करके हमारे चैनल ब्रज आस्था को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, नमस्कार।